पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे शाला दर्पण के अंतर्गत विषय अध्यापक मैपिंग कैसे करें। RKSMB के ऐप के लिए इस प्रकार करें कक्षा 3 से 8 तक के विषय अध्यापक की मैपिंग। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट से आप हो पाएँ अपडेटेड। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू, चलते हैं शाला दर्पण की ओर। यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से विंडो खुलती है। हम आपको ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा परिणाम, परिणाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम परिणाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से कुछ एंट्रीज शो होने लगेगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको परिणाम प्रविष्टि का ऑप्शन मिलेगा। परिणाम प्रविष्टि पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से वो नई टैब खुल के सामने आएगी। हमें यहाँ पर मिलेगा विषय अध्यापक मैपिंग, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पूरा सेलेक्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग टाइप, तो यहाँ पर हमें दो टाइप मिल जाएगी, एक फॉर RKSMB के और एक ऑल क्लासेस रिजल्ट मैपिंग पर्पस। तो हमें अभी RKSMB के करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा लोडिंग के बाद इस तरह से हमें मिल जाएगा और नीचे आपको टीचर क्लास वाइज टीचर सेलेक्ट करके 3 से 8 तक के टीचर्स की मैपिंग कर देनी है। ये पूरी मैपिंग होने के बाद आप जैसे ही कार्मिक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे आप कार्मिक पे टैप करेंगे तो 3 से 8 टीचर मैपिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको टीचर मैपिंग करनी है। इसे आप टीचर अगर आपको कोई सब्जेक्ट गलत मैपिंग हो गई तो यहाँ से आपको चेंज करना है। इसी प्रकार ये पूरा प्रोसेस रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।